हेलो गाइस, क्या हाल है। आज इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मैंने 2020 में मतलब इस साल 30 FPS से 60 FPS में आया हूं, मतलब Redmi Note 8 Pro में आया हूं, तो मैंने क्या क्या चेंजेस फेस किए जो 30 FPS में होता था और 60 FPS में है। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना, मैं आपको सारे एक्सपीरियंस बता दूंगा और गेम प्ले भी साथ में चलता रहेगा, आप देखते रहना, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो मैंने एक चीज़ नोटिस की जो 30 FPS में थी और 60 FPS में है कि इस Redmi Note 8 Pro में है कि जायरो बहुत ज़्यादा स्मूथ वर्क करता है। ठीक है, जब मैं 30 FPS में खेलता था ना, मतलब जो मैं पहले मेरा फ़ोन था उस पर मैं खेलता था, उस पर अलग था जायरो, मतलब बिल्कुल अलग। और जब मैं इसमें आया ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होने लगा, जब मैं जायरो में खेल रहा था अजीब सा फील हुआ, लेकिन जब एक दो दिन मैंने कंटिन्यूसली खेला तो बिल्कुल चेंज हो गया, मतलब सब कुछ सेट हो गया। पहले थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बट फिर धीरे धीरे करके सब ठीक हो गया, ठीक है ना। तो पहला जो था वो जायरोस्कोप था, और दूसरा जो है वो है जब एनिमी कोई बुलेट स्प्रेड करता है या कुछ जब फायर होता है मेरे ऊपर, तो मेरे को रिएक्ट करने का ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे वो गोलियाँ स्लो मोशन में आ रही है, मतलब मेरे को बहुत अजीब सा, क्योंकि जब मैं पहले जो मेरा डिवाइस होता था गोली कब की बच जाती थी और मेरे को डैमेज बाद में मिलता था, बट यहाँ पे क्या होता है कि गोली मेरे को पहले ही सुनाई देती है और डैमेज बाद में मिलते मैं बच जाता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा रिएक्शन टाइम भी थोड़ा तेज़ हो गया, मतलब तेज़ नहीं हो गया कह सकते कि एक्सट्रीम ग्राफिक्स की वजह से, एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स की वजह से मेरे को बुलेट्स के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, मतलब कोई डीसिंक वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इसका 60 FPS का। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मूवमेंट। मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया कि इस फ़ोन में, मतलब जो 60 FPS वाले फ़ोन होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवमेंट होती है, मतलब मेरे हिसाब से, अगर आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, लेकिन मेरे को जो लगता है ना कि भाई इसमें मेरा जो प्लेयर है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ मूव करता है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरा फ़ोन था मेरा उसमें। तो फिर मैंने एक ऐसे कंपैरिजन भी किया कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला तू मेरे फ़ोन पे खेल TDM, तो मैं TDM मैचेस खेल रहा था, तो मेरे को पता चला कि भाई उनको भी उस पर स्क्रीन रिकॉर्डर था और मेरे पे भी, मतलब मैं उससे बहुत तेज़ मूव कर रहा था, मतलब मेरा जिगल भी तेज़ हो रहा था, मूव एंड फायर भी तेज़ हो रहा था। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है 60 FPS का। और भाई जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैंने जो नोटिस किया वो है इसका टच रिस्पॉन्स। मतलब भाई क्या टच रिस्पॉन्स है, एक बार बटन दबाओ उसी टाइम खुलता है भाई। जब मैं पहले फ़ोन पर खेलता था ना, ठीक था उसका टच रिस्पॉन्स भी ठीक था, बट इसका कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसका टच रिस्पॉन्स बेकार था, टच रिस्पॉन्स उसका भी सही था, लेकिन इसका टच रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा स्मूथ लगा मेरे को। डिस्प्ले भी काफ़ी स्मूथ है इसकी, तो मज़ा आता है। तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है। और मतलब क्लोज़ कॉम्बैट लेने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, ठीक है ना। पहले क्लोज़ कॉम्बैट लेने में डर लगता था ज़्यादा, मतलब क्योंकि फ्रेम रेट्स कम होने की वजह से भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब फ्रेम रेट्स तुम्हारे पास ज़्यादा हो ना, तो तुम्हारे पास क्विक रिस्पॉन्स करने का टाइम होता है, सब कुछ करने का टाइम होता है। तो ये इसका एक और प्लस पॉइंट है। एक जो मुझे इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि स्टार्टिंग में जब मैंने, मतलब मैं वाईफाई पे खेलता हूँ, जब मेरा पहला डिवाइस था उस पर भी मैं वाईफाई पे खेलता था, तो मेरे को नॉर्मल 40-32 MS पिंग मिल जाती थी, कभी कभी 25 भी हो जाती थी, ठीक है ना। लेकिन जब मैं इस डिवाइस पे आया तो वाईफाई मेरा वर्क ही नहीं कर रहा है इस डिवाइस पे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, या तो वाईफाई में कोई प्रॉब्लम हो गई है या तो पबजी गेम में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ वाईफाई, जब मैं बाकी काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो अच्छी स्पीड मिल रही है, बट पबजी ही नहीं स्पीड कंज्यूम कर पा रहा है। गाइस, अगर आपको इस चीज़ के बारे में कुछ पता है तो मेरे को भी बता देना, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स की है वाईफाई के ऊपर भी और इसके ऊपर भी, बट स्टिल वाईफाई वर्क ही नहीं, मतलब इस पर पबजी पिंग खींच ही नहीं रहा है। मेरे को फिर सेलुलर डाटा पे खेलना पड़ रहा है, उस पर फिर मेरे को पिंग आ रही है, बट वाईफाई पे नहीं हो रहा है। और सेलुलर डाटा पे अगर आप खेलोगे तो एक्सट्रीम ग्राफिक्स पे, अभी तो मैं जम्मू में हूँ ना, तो भाई यहाँ पे 2G चल रहा है, तो 2G पे मैं पबजी खेलता हूँ तो काफ़ी डीसिंक होता है। अगर 4G हो ना तो 4G का कुछ पता नहीं मेरे को, अभी तक मैंने काफ़ी, एक साल हो गया भाई हमें 4G चलाए हुए, क्योंकि 2G ही चल रहा है यहाँ पे। तो अगर 4G आए तब पता चले, क्या पता डीसिंक हो ना हो, बट मेरे को जहाँ तक लगता है वाईफाई बहुत बेटर है। अब मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ, बट अगर आपको कुछ चीज़ पता है ऐसे वाईफाई की सेटिंग्स के बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे को, ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए, ठीक है ना। तो ये मेरे को प्रॉब्लम लगी कि वाईफाई पता नहीं क्यों नहीं कंज्यूम कर पा रहा है, ये शायद बैकग्राउंड ऐप की वजह से, मैंने वो भी क्लोज़ किए बट फिर भी नहीं कर पा रहा है वर्क। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ 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 बता देना, ठीक है।
तो ये कुछ मेरे एक्सपीरियंस थे और ये रियल एक्सपीरियंस थे। और लॉबी भी काफ़ी इंटेंस थी, ठीक है, ये वो बॉट वाली एस लॉबी नहीं है। और इस सीज़न में पता नहीं क्यों मेरे को तो लगता है भाई हर प्लेयर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्लेयर होते हैं। लास्ट जोन बहुत इंटेंस होता है भाई, बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हाँ भाई वाईफाई वाला याद है ना, कमेंट में ज़रूर बता देना अगर आपको पता होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।